गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप? फाइन। यस बेटा, कल मैंने आपको ई की मात्रा लिखना, बोलना और वर्ण के साथ जोड़ना सिखाया था। आज हम ई की मात्रा के शब्द करेंगे। और ये क्या है? ई की मात्रा। कौन सी मात्रा है ये? ई की मात्रा हमेशा व्यंजन से पहले लगती है। ठीक है बेटा, ई की मात्रा व्यंजन से पहले लगती है। तो रेडी हो जाइए अपनी हिंदी नोटबुक के साथ। यस, आज का डेट है 10.7.20। और आज दिन कौन सा है? शुक्रवार। कौन सा दिन है आज? शुक्रवार। और अब सी डब्ल्यू नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे? कक्षा कार्य। सी डब्ल्यू को हिंदी में क्या बोलते हैं? कक्षा कार्य। और आज हम क्या कर रहे हैं? ई की मात्रा के शब्द। ई की मात्रा के शब्द आज हम ये शब्द चित्रों की सहायता से करेंगे। ठीक है बेटा, तो आप ये चित्र पहचानिए। इस चित्र में क्या है? अब आप कहेंगे सूरज, तो सूरज का एक नाम और भी होता है रवि। क्या नाम होता है? रवि। ये क्या है? रवि। र, देखो कोई मात्रा नहीं आ रही। र कहाँ मात्रा आ रही है? वि, व के साथ ई की आवाज आ रही है। तो क्या हो गया? रवि, रवि। अब अगले पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? पेन। प प प पी प प प। और प के साथ किसकी आवाज आ रही है? ई की। किसकी आवाज आ रही है प के साथ? ई की। ई, तो मात्रा किसको लगेगी? प को। रेड लाइन से वन बनाएंगे, थोड़ा सा राउंड करेंगे और इसको प के ऊपर ले जाएंगे। ये क्या हो जाएगा? पी। नो। इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? दिया। दिवाली में हम दिया जलाते हैं ना, मंदिर में भी जलाते हैं। दि द द दि दि। किसके साथ ई की आवाज आ रही है? द के साथ। दि या आ नहीं, य आ। दि या, इसमें दो मात्राएं आ गई, ई की भी और आ की। दि या। नेक्स्ट क्या है? खाट भी बोलते हैं इसको और खटिया। तो अब आज क्योंकि हम ई की मात्रा कर रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? ख ति या। ख ख ति। किसको आ रही है ई की आवाज? ट। तो ट से पहले ई की मात्रा। ति या। य हम कैसे लिखेंगे? टू बना के और फिर कटोरी बनाएंगे, वन बनाएंगे और आ की मात्रा करेंगे। खटिया। नेक्स्ट क्या है? सितार। सितार। इसकी आवाज आ रही है आपको? स की। और स के साथ किसकी आवाज आ रही है? इ की। इसकी आवाज आ रही है? इ की। सि सि ता आ ता। र सितार। ओके बेटा, तो नेक्स्ट पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है? गिलास। ग ग इ गि गि ला। ल को किसकी आवाज आ रही है? आ की। तो आ की मात्रा लगाएंगे। गिलास। नेक्स्ट क्या है बेटा? ये पहचाना आपने, आप रोज बेड पे लेके सोते हैं इसको, पिल्लो। और पिल्लो को हिंदी में क्या बोलते हैं? तकिया। तो कि किसको आवाज आ रही है? ई की। क को। कि या। तकिया। नेक्स्ट क्या दिखाई दे रहा है बेटा आपको? पहिया। क्या है ये? पहिया। पहिया देखो, सभी व्हीकल्स में होते हैं, सभी वाहन जो होते हैं सभी में पहिए होते हैं, साइकिल में, स्कूटर में, ट्रक में, कार में। ठीक है, तो ये क्या है? पो। ही। किसको आवाज आ रही है? की। ह को। ही।
अगली पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है, किसका चित्र दिखाई दे रहा है? चिड़िया। ये आपने पहचान लिया, मुझे पता है। और चिड़िया क्या करती है? ची 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 ची, छोटी की आवाज आ रही है। तो ज से पहले, वन से पहले मात्रा लगेगी। ची अड़ी अड़ा अड़ा अड़ी अड़ा अड़ी। देखो इसमें टू टाइम ई की आवाज आई तो टू टाइम मात्रा, जितनी बार ई की आवाज आएगी उतनी बार मात्रा लगेगी। यहाँ आ की आवाज आ रही है। नेक्स्ट क्या है? किताब। कि क क की, किसको आवाज आ रही है? की की क को। कि ताब। कि ताब। ठीक है बेटा, अब आप हिंदी की परिभाषिका बुक निकालिए, हिंदी परिभाषिका, और उसमें हम ई की मात्रा के शब्द पढ़ेंगे, पेज नंबर 24। ठीक है बेटा, पेज नंबर 24। पहले हम लिखेंगे सी डॉट डब्ल्यू, और उसके बाद डेट, क्या डेट है आज? 10.7.20। और आप, यस, आप इसको कैसे पढ़ेंगे? क, जब कोई मात्रा नहीं होगी तो सिंपल पढ़ेंगे क वी, कवि, रवि, रवि, हरि, हरि, शनि, शनि, पति, पति, बलि, बलि, मिल, मिल, तिल, तिल, दिल, दिल, बिल, बिल, हि ल हिल, सि ल सिल। अब आपने देखा पहली और दूसरी लाइन में मात्रा एकदम बदल गई हैं, पहले बाद में लगी हुई है और दूसरी लाइन में पहले मात्रा लगी हुई है। ठीक है, तो आपने अच्छे से इसको रीड करना है। पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ कि फन विद नंबर्स की आपने दो पिक्चर्स बनानी है बच्चों ने, उनको कलर करना है बिग शीट पे, और आपने उस शीट को डेकोरेट भी करना है, और कल इवनिंग 5 o'clock तक मेरे पास भेजनी है, व्हाट्सएप करनी है। ठीक है, दोनों पिक्चर्स को मैंने 6 पिक्चर्स आपको बनवा के रखी हैं, 6 में से आप कोई भी दो पिक्चर चूज करें, ड्रॉ करें और उनको कलर करें, बच्चे करेंगे ये। ठीक है, और उनको डेकोरेट करके देंगे। प्लीज़, थैंक यू।